नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विश्लेषण वाले चैनल पर। और आपको बता दें कि चंपई सोरेन के सामने जब भारी भीड़ जुटी तो हेमंत सोरेन ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। आज हेमंत सोरेन को थोड़ा सदमा लगा होगा, जिस प्रकार की भीड़ आज। हेमंत सोरेन ने नहीं सोचा होगा कि इतनी भीड़ चंपई सोरेन के लिए आज पहुंच जाएगी। बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होते ही पहला बयान दे दिया कि कोल्हान में ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जितवाएंगे बीजेपी को। उधर जेएमएम भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएमएम ने कहा कि गद्दार हैं ये तो गद्दारी कर गए। इनको तो हेमंत सोरेन जी ने इनको तो मुख्यमंत्री का एक कुर्सी तक दे दिया था, लेकिन फिर भी ये उस कुर्सी को जब छोड़ने के लिए बोला गया तो ये बीजेपी के चाल में फंस गए। लेकिन चंपई सोरेन कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि वो गद्दार है, आप कमेंट जरूर लिखिएगा। लेकिन समीकरण क्या है? क्या हेमंत सोरेन को अब जेएमएम से थोड़ा सा दिक्कत होगा? क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का कमान कमजोर होगा? और क्या ये आरोप लगेगा कि परिवार ही सर्वोपरि है? दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए क्या चुनौती होगा? क्या कोल्हान क्षेत्र में 14 सीट, हालांकि रामदास सोरेन को मंत्री बनाकर डैमेज कंट्रोल तो किया गया, लेकिन क्या संथाल क्षेत्र में जो चंपई सोरेन का जनाधार है, क्या उसमें सेंध लगा पाएंगे हेमंत सोरेन के वीर? क्या दीपक बिरुआ चाईबासा क्षेत्र में रिटेन कर पाएंगे अपनी सीट? क्या सुखराम उरांव रिटेन कर पाएंगे? या मनोहरपुर में क्या जोबा मांझी फिर से कोई दूसरे कद्दावर नेता को चुनाव जितवा पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं। दशरथ गागरी क्या करेंगे? ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? जुगसलाई के मंगल कालिंदी जी क्या करेंगे? और पुटका विधानसभा के संजीव सरदार क्या करेंगे? क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि जो जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, सब चीज भगवा हो गया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लिए ही ये नुकसान हो जाए? आदिवासी वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट ही नहीं करे, सवाल तो उठ रहा है। इसलिए तस्वीरें बहुत सारी है, तस्वीरें बहुत सारी चीजें बताती भी है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि वो सब कुछ दिए थे, लेकिन दगाबाजी किया गया, परिवार भी टूट गया और पार्टी भी टूट गई। लेकिन वही दूसरी ओर हेमंत सोरेन के अलग चंपई सोरेन कहते हैं कि उनको जो कुछ मिलना चाहिए था नहीं मिला, उनको अपमान मिला, अन्याय मिला। वो कब तक इस आंसू को, घूंट को बर्दाश्त करके रहते? इसलिए उन्होंने तो नया पार्टी बनाने का सोचा था, लेकिन इसकी प्लानिंग शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा ने कमान संभालते साथ शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन ने आनन फानन में कैबिनेट की बैठक बुला ली थी और बैठक बुलाकर इनको बोला गया था कि आप तुरंत रिजाइन कर दीजिए। इसके बाद ही पासा पलटने लगा और चंपई सोरेन से हेमंत सोरेन की दूरी बढ़ती चली गई। कई सारे मुद्दे होंगे, क्या इसमें अब सिमट कर रह जाएगा सारा युवा, या फिर एग्जाम धड़ल्ले से होता जाएगा, अथवा जितने एग्जाम हो गए उतने ही तक में रह जाएगा? जेएसएससी का क्या एक बार और आगे जाएगा डेट, या इसी तिथि पर हो जाएगा? ये सारे यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर देना मुश्किल है। हमें लगता है कि झारखंड की सरकार को सोचना चाहिए, परीक्षा ले लें पहले, उसके बाद राजनीति करते रहे, ये तो चलता रहेगा। राजनीति कभी रुकने वाली चीज नहीं है, चलती जाती है। उम्मीद है कि झारखंड की सरकार परीक्षा जरूर लेगी, लेकिन चंपई के गढ़ में उनके गढ़ वाले जो सेक्शन है वो हम उस क्षेत्र में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों का मिजाज टटोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है समय कम है। चंपई सोरेन ने फैसला ले लिया और जेएमएम को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।